जैसे कि ऊपर की नॉलेज से फॉरेन पिस्टल इंटरेक्शन की नॉलेज से फार्मर भी अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फॉरेन पिस्टल इंटरेक्शन की नॉलेज यूज़ करके फार्मर्स अपनी डिज़ायर्ड स्पीशीज़ प्लांट्स की, सुपीरियर वेराइटीज़ प्लांट्स की पैदा कर सकते हैं। अब जैसे कि आप चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे, जो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम के बारे में ही उसमें बताया गया है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताया गया है चैप्टर नंबर 9 में। स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये है चैप्टर का नाम। तो उसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी उसमें बताया गया है। पर अब इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के मतलब से अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप समझिए। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ह्यूमन के ज़रिए हाइब्रिड कराई गई प्रजातियाँ होती हैं प्लांट्स की, या कोई भी एनिमल्स की भी हो सकती हैं, पर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से जो फार्मर्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं, वो अपने सुपीरियर वैरायटीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ को क्रॉस करके, डिफरेंट जेनरा को क्रॉस करके सुपीरियर वैरायटीज़ पैदा कर सकते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावर की कलर्स हों, वेरिएशन जिनमें बहुत ज़्यादा हो, फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा हो। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें पोलन ग्रेन्स भी हमें पर्टिकुलर चाहिए, और पर्टिकुलर हमें स्टिग्मा भी चाहिए। तो स्टिग्मा को हमें कवर करके रखना पड़ता है कि वो अनवांटेड पोलन के इंटरेक्शन में ना आए, या अनवांटेड पोलन उसके इंटरेक्शन में ना आए, स्टिग्मा के इंटरेक्शन में, जिसकी वजह से जो हमने स्पीशीज़ नहीं चाहिए वो स्पीशीज़ हमें ना मिले, इसकी वजह से हमें स्टिग्मा को कवर करके रखना पड़ता है, बचाना पड़ता है अनवांटेड पोलन ग्रेन से। तो कुछ प्रोसेस होते हैं जिनका हमने नाम दे दिया है इमैस्कुलेशन और बैगिंग। अब हम इमैस्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर फीमेल फ्लावर के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो उसके अंदर से हमें एंथर को निकालना पड़ता है, जिससे कि पहले वो डायहेसिस हो, जिससे कि पहले वो पोलन ग्रेन रिलीज करे, उससे पहले हमें एंथर को निकालना पड़ता है। कि वो अगर हमने एंथर को बाद में निकाला उसके डायहेसिस होने के बाद, तो उसके पोलन ग्रेन जो होंगे स्टिग्मा पर आके लैंड हो जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा, अगर कंपैटिबल पोलन होगा तो। तो हमें डायहेसिस होने के पहले ही उसको काटना पड़ता है। तो फोर्सेप्स आती हैं, फोर्सेप्स के ज़रिए ही हम उन्हें काटते हैं। फोर्सेप्स चिमटियाँ होती हैं, चिमटी की वजह से हम क्लिप करके उसे निकाल लेते हैं एंथर को, और जो स्टिग्मा होता है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो एंथर को काटना फोर्सेप्स के ज़रिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में, फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर में, उसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। और फिर उन्हें बैग करना, स्टिग्मा को बैग करना, जिसकी वजह से अनवांटेड पोलन उसके कांटेक्ट में ना आ पाए, उसको हम कहते हैं बैगिंग। अब जो स्टिग्मा होता है बैग फ्लावर का, जब वो रिसेप्टिविटी आ जाती है उसके अंदर, जब वो पोलन को एक्सेप्ट करने के लायक हो जाता है, सिंक्रोनाइज उसमें हो जाती है स्टिग्मा के अंदर, तो जो हमें पोलन ग्रेन हम उसमें डालते हैं, जो हमें डिज़ायर्ड स्पीशीज़ चाहिए, उस डिज़ायर्ड स्पीशीज़ को पैदा करने के लिए जो पोलन ग्रेन कंपैटिबल होंगे, तो वो हम पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर छिड़केंगे, झाड़ेंगे। तो फिर जब वो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ जाएंगे, फिर उसको पूरे को कवर कर देंगे और फ्रूट्स बनने के लिए हम छोड़ देंगे, यानी कि उसके अंदर पोलिनेशन होने के लिए छोड़ देंगे, फर्टिलाइजेशन होने के लिए छोड़ देंगे। इसकी मदद से हमें डिज़ायर्ड स्पीशीज़ मिल सकती हैं। और फिर बात आए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर कोई इमैस्कुलेशन और बैगिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें इन्वायरमेंट में वही रखना पड़ेगा कि हमें ठीक से पोलन ग्रेन, जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है उससे बचाए रखें, और जो पोलन ग्रेन कंपैटिबल है वो हम ले जाके उसे दें स्टिग्मा को। तो यह आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लाइनें अंडरलाइन की हुई हैं, प्लीज़ आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसमें क्या आया है, अब इसमें आया है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि एक ओव्यूल के अंदर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो अब मैं ठीक से समझाता हूँ। जब पोलन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, तो वो पनपता है कुछ केमिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर देता है स्टाइल के अंदर, और तभी जो जनरेटिव सेल होता है पोलन ग्रेन के अंदर, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। जब पोलन ट्यूब पूरी
उस तक पहुंच जाती है यानी कि ओवरी के ओव्यूल तक पहुंच जाती है तो मेल गैमेट रिलीज होते हैं और मेल गैमेट फिलिफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाती है जिसकी वजह से दो में से या एक सिनर्जिट के अंदर वो मेल गैमेट एंटर कर जाते हैं। जब दो मेल गैमेट एंटर कर जाते हैं तो फिर एक मेल गैमेट एग सेल के पास चला जाता है और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के पास चला जाता है। एग सेल के अंदर वो उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है, एग सेल की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है और फिर वो सिनगैमी कंप्लीट करता है अभी, और फिर वो डिप्लॉइड सेल बन जाता है जिसे हम जायगोट कहते हैं। हैप्लॉइड होता है एक मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और ये भी एग सेल का भी जो न्यूक्लियस होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, इंसानों में जैसा होता है वैसे ही। तो अब जो बात आती है दूसरे डबल फर्टिलाइजेशन में, एक फर्टिलाइजेशन तो हो गया आपका, सिनगैमी हो गई, अब दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होता है? और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल के जो दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं बीच में उनके साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है और वो दो पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होती हैं और एक हैप्लॉइड सेल और आ रहा है आपका मेल गैमेट, तो वो तीनों जाके मिल जाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन पूरा हो जाता है। तो अब बात आती है जो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी भी एक ही ओव्यूल के अंदर हो रहे हैं तो इस फिनोमिना को हमने डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया है। अब जो बात आती है वो जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा होता है वो तीनों न्यूक्लियस, वो एक मेल गैमेट बन के और दो पोलर न्यूक्लियाई बन के ट्रिपल फ्यूजन हो रहा होता है, तो अब हम इस पूरे को दे देते हैं नाम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, यानी कि पेन। अब फिर जो इसका सेल होता है जहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं उस सेल को हमने नाम दे दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलप हो जाता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म के अंदर डेवलप होता है और जो जायगोट होता है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो आपका जो होता है वो इसी के नरिशमेंट के अंदर काम आता है, पूरा डिफ्यूज हो जाता है, वो मैं आपको आगे प्रोसीजर में बताऊँगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये खाली बस आप ये वाली फिगर देखिएगा, इस फिगर के अंदर आपका दिया हुआ है एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है, फर्टिलाइज्ड यानी जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो जो एंटीपोडल होते हैं वो भी डिजनरेट हो जाएंगे और जो दो सिनर्जिड्स होते हैं वो भी डिजनरेट हो जाएंगे। एग सेल के साथ, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट ने जायगोट बनाया हुआ होता है डिप्लॉइड, तो ये आपका रहेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये रहा पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि ट्रिप्लॉइड जो होता है, ट्रिपल फ्यूजन जिसमें होता है। अब जो बात आती है वो आपके दिल में याद ही होगी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये करते क्या है, ये आगे मैं आपको पैराग्राफ में बताऊंगा। बट अभी हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में। तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर और इवेंट्स आएंगे उस ओवरी के अंदर, उस प्लांट के अंदर। जो एंडोस्पर्म होगा और एम्ब्रियो का होगा वो उस डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो ओव्यूल्स होंगे ओव्यूल्स का सीड के अंदर डेवलप होना और ओवरी का फ्रूट के अंदर डेवलप होना, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप होंगे और जो ओवरी होगी वो फ्रूट के अंदर डेवलप होगी। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है जो कि सीड के अंदर रहता है, प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं उसके अंदर जो टिश्यू होगा वो होगा एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा वही आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब क्यों, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो सेल जो होता है वो डिवाइड होता रहता है, यानी कि जो PEC होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वो डिवाइड होता है जिससे कि वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है। अब जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो उनके पास बहुत सारा खाना होता है, रिजर्व फूड मटेरियल के सेल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म के सेल्स, और तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है।
एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, यानी इसका ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर डिवाइड होना। अब बारी आती है पेन की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो PEC के अंदर ही होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो फ्री न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होगा। न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होगा, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा वो टिश्यू के अंदर डिवाइड होगा। सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है जिससे कि फ्री न्यूक्लियाई बने। फिर आगे मेच्योरिटी होती है और बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो जो ये न्यूक्लियाई होती हैं ये सेल के जरिए कवर्ड हो जाती हैं, जिन्हें हम कह देते हैं एंडोस्पर्म बन गया है सेल्युलर, सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। और इस स्टेज को जहाँ पर फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर उसके बाद में सेल्युलर फॉर्मेशन होता है, सेल बनती है। अब जो ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो बनता है, इसकी बहुत सारी न्यूक्लियस होती हैं, बहुत सारे डंबर में होते हैं। तो अब इस चीज़ को देखने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि जो कोकोनट होता है उसके अंदर का जो पानी होता है वो यही होती है न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई ये जो पेन डिवाइड हुआ होता है फ्री न्यूक्लियाई के अंदर, वो यही होता है कोकोनट के अंदर का पानी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहता है। अब जो उसके गूदा होता है यानी कि वाइट कलर का, जो आप कर्नल खाते हैं वाइट वाइट से कलर का, वो आपका और कुछ नहीं होता, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, यानी कि ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। एक बहुत ही फैमिलियर एग्जांपल है ये कोकोनट का, आप इसको प्लीज़, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ये समझने की बात है कि आप देखिए कि जो उसके अंदर का पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो उसके अंदर का गूदा होता है वाइट कर्नल होता है, वाइट चीज़ जो हम खाते हैं, वो आपका ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। अब आगे देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो के ज़रिए ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाता है, यानी कि पूरा कंज्यूम ही कर लिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है एंडोस्पर्म। या तो जैसे कि आप देख लीजिए पीस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता एंडोस्पर्म, आप मटर को छीलिए तो उसका छिलका फेंक देते हैं और खाली वो दाने दाने सीड होते हैं, वो खाली वो दाने दाने से आप कुछ भी उसकी सब्जी पका लेते हैं, तो वो पूरा सीड के ज़रिए कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म। ग्राउंड नट आप ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब जिसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है वो आप नारियल ले लीजिए, नारियल में आप फॉर एग्जांपल अगर पूरा सीड्स के ज़रिए ही कंज्यूम हो जाता है नारियल, तो हमें वाइट कर्नल खाने को नहीं मिलता। अब इसके अंदर पूरा ठीक से कंज्यूम नहीं होता है एंडोस्पर्म कोकोनट के अंदर, नारियल के अंदर, तो इसलिए हमें वाइट कर्नल खाने को मिलता है। अब बारी आती है एम्ब्रियो की, ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, उसकी फिगर्स भी बनाने के लिए आती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो चलिए देखते हैं। अब बारी आती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पर डेवलप होता है, बेसिकली एम्ब्रियो सैक के अंदर ही डेवलप होगा, मेगास्पोरेंचियम के अंदर ही डेवलप होगा, मेगास्पोर मदर सेल MMC। अब यहाँ पर किधर की तरफ डेवलप होता है, जहाँ पर जायगोट होता है, जहाँ पर जायगोट सिचुएटेड होगा वहीं पर ही आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, यानी कि ये वाली जगह पर। अब जो जायगोट होता है वो तभी डिवाइड होगा जब कुछ अमाउंट का एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। जब कुछ अमाउंट का एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है तो एंडोस्पर्म, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को। अब जो जायगोट होगा उसको भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो वो एंडोस्पर्म कुछ फॉर्म हुआ हुआ वो इसको प्रोवाइड करता है। अगर एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं होगा तो जो जायगोट डिवाइड होगा उसको ठीक तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें इन्फीरियर सीड्स मिल सकते हैं, वेरिएशन जिनमें कम होगी सीड्स के अंदर वो मिल सकते हैं। तो इसलिए ये एक तरह से अडेप्टेशन कह लीजिए, प्लांट्स की अडेप्टेशन, कि उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप किया है कि एंडोस्पर्म का फॉर्म होना ज़रूरी होता है एक डिवाइड होते हुए जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अब जो आपके सीड चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो मोनोकॉटिलेडन्स में और डायकॉटिलेडन्स में, बट उनकी सीड्स की डेवलपमेंट सेम ही रहती है दोनों के अंदर, मोनोकॉटिलेडनस सीड्स के अंदर भी और डायकॉटिलेडनस सीड्स के अंदर भी डेवलपमेंट सेम रहेगी।
बट उनके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट अकर होंगे, वो स्टेज सेम रहती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियोजेनी की। अब जो कैसे डेवलप होता है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है एक मेचर एम्ब्रियो के अंदर, पहले तो वो प्रो एम्ब्रियो बनता है, जायगोट डिवाइड होता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद फिर बनता है हर्ड शेप्ड एम्ब्रियो, फिर बनता है एक मेचर एम्ब्रियो, जिसकी एक सिंपल फिगर यहाँ पर दी हुई है। अब जो एक डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो के बारे में हम बात करते हैं, ये एक डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो है, और ये डाइकोटिलेडनस एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में हमें दिया हुआ है। तो एक डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो के पास होती है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलेडन्स होते हैं, यानी कि एक कोटिलेडन्स आपका ये रहा और दूसरा कोटिलेडन्स आपका ये रहा, और ये रही आपकी प्लूम्यूल से लेकर रेडिकल तक एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास कुछ भी आ सकता है, एपिकोटाइल जैसे कि इसके अंदर आ गया, प्लूम्यूल आ गया, एपिकोटाइल आ गया और रेडिकल। अब मैं आपको बताता हूँ ठीक से। तो जो पोर्शन होता है यानी कि कोटिलेडन्स के ऊपर, वो होता है एपिकोटाइल, जो कि टर्मिनेट हो जाता है प्लूम्यूल पे, और स्टेम टिप भी जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि कोटिलेडन्स के ऊपर और फिर टर्मिनेट हो रहा है प्लूम्यूल पे, यानी कि ये वाला पोर्शन। फिर एपिकोटाइल के नीचे हाइपोकोटाइल होता है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल के ऊपर ही टर्मिनेट हो जाता है और प्लूम्यूल पे भी। तो हाइपोकोटाइल आ गया, फिर बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है ये, फिर हाइपोकोटाइल यहाँ पर टर्मिनेट होगा रेडिकल पर, जो कि रूट टिप भी कहलाती है, और फिर जो रूट टिप होगी वो रूट कैप से कवर्ड रहेगी। अब बाकी बारी आती है, अब पढ़ते हैं एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन्स के बारे में। ये तो हमने डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो के बारे में पढ़ लिया, अब मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है आपका डाइकोटिलेडन्स का, पर डेवलपमेंट दोनों में सेम टू सेम तरह की रहेगी, यानी कि टाइप सेम रहेगा एक तरह से, वो मैं आपको आगे आके एक्सप्लेन करता हूँ। पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं मोनोकोटिलेडन्स ऑफ एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो होते हैं मोनोकोटिलेडन्स के, इनके पास खाली एक ही कोटिलेडन होता है ग्रास के अंदर, यानी कि जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इनके अंदर हम कोटिलेडन को कहते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा। अब जो स्क्यूटेलम होता है ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एपिकोटाइल से अटैच रहता है। ये रही आपकी पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटाइल से स्क्यूटेलम आपका अटैच्ड है, ये लोअर एंड पर आता है, और फिर आता है आपका हाइपोकोटाइल, ये रहा आपका। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस के अगर आप नीचे चलेंगे ज़रा सा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल और रूट कैप, एज अ डाइकोटिलेडन्स के अंदर भी था, बट जो रेडिकल और रूट कैप होगा वो आपका कोलियोरिजा से कवर्ड रहेगा। फिर आपका आता है कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल के अंदर आपका होगा एक तो वो शूट एपेक्स होगा और एक प्रिमोर्डिया लीफ होगी। प्रिमोर्डिया लीफ कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ, प्रिमोर्डिया लीफ आपकी ये होगी, इसके और शूट एपेक्स आपकी ये रहे, ये कोलियोप्टाइल नाम के कवर्ड से एनक्लोज रहती है। अब जो एपिकोटाइल होगी उससे स्क्यूटेलम अटैच रहेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है दोनों का, डाइकोटिलेडन सीट का और मोनोकोटिलेडन सीट का स्ट्रक्चर दोनों का एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट है, बट डेवलपमेंट सेम है। सॉरी मैंने पीछे ये बोल दिया था कि स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, इनका डेवलपमेंट सेम रहता है बट स्ट्रक्चर इनका अलग अलग हो जाता है। कैसे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर भी होगा, मोनोकोटिलेडन के अंदर भी होगा, और फर्टिलाइजेशन डाइकोटिलेडन के अंदर भी होगा। फिर आता है आपका सीड के बारे में, अब हम पढ़ते हैं सीड कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे नहीं होंगे। अब एंजियोस्पर्म के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये एक फर्टिलाइज जो ओव्यूल हम इसे कह सकते हैं, यानी कि एक वेल डेवलप्ड ओव्यूल, क्योंकि हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल जो होता है वो सीड के अंदर डेवलप होता है, और जो उसकी ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर डेवलप होती है। अब जो सीड कोट होते हैं और कोटिलेडन्स भी जिन्हें हम कह सकते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं।
सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर फॉर्म्ड होते हैं, और एक जो टिपिकल सीड होता है इसके पास एक सीड कोट होता है, कॉटिलेडन्स होते हैं, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे हम कह सकते हैं, पीछे आप सीड के मैंने आपको पीछे बताया था, जो कॉटिलेडन्स होते हैं एम्ब्रियोज के, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में वो बहुत सिंपल होते हैं। या प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अब जो सीड्स होते हैं उसके पास एक सीड कोट होता है, कॉटिलेडन्स होते हैं, और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। जो कॉटिलेडन्स होते हैं एम्ब्रियो के, वो बेसिकली गोल गोल से होते हैं, लचीलेदार होते हैं, स्वॉलन होते हैं और थिक होते हैं। अब स्वॉलन क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास फूड रिजर्व्स होते हैं, स्टोरेज एज अ स्टोरेज काम करते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स के अंदर फूड स्टोरेज के लिए उसके पार्ट ही अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि आपको वो फूड प्रोवाइड कर सके। अब जो मेजर सीड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होते हैं एल्ब्यूमिनस। जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उनके पास कोई भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं होता, यानी कि एंडोस्पर्म पूरे एम्ब्रियो के ज़रिए यूज़ कर लिया जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के जरिए यूज़ कर लिया जाता है पूरा एंडोस्पर्म। और जैसे कि आप, मैं बोल रहा था मैंने पीछे भी, जैसे कि मटर के दाने में होता है और ग्राउंड नट के अंदर होता है, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है। अब एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया जाता, कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है और आपका सीड भी ठीक से डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो भी ठीक से डेवलप हो जाता है। जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर हो गया आपका, और आप कोकोनट भी कह सकते हैं। अब फिर कुछ सीड्स के अंदर, जैसे कि आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, बीट ले लीजिए, जो न्यूसिलस के रेमनेंट्स होते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसके डेवलप होने में, न्यूसिलस उस वो ज़रा ज़रा सा बच जाता है और वो भी उसके अंदर रहता है। क्योंकि जब न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूसिलस का फंक्शन ये होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से वो आगे जाके अपने अंदर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम दे, तो इसलिए न्यूसिलस ज़रा सा बचा रहता है। उस न्यूसिलस को हम परसिस्टेंट न्यूसिलस कहते हैं, और फिर उस पूरे को हम कह देते हैं पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसिलस यानी कि बचे हुए न्यूसिलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। अब इंटेग्यूमेंट्स, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल्स के, वो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट की तरह काम में आते हैं, प्रोटेक्टिव सीड कोट बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो एक स्मॉल पोर खुरा रहता है सीड कोट में, ये किस काम में आता है, माइक्रोपाइल जो जिससे कि ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री बनी रहे जर्मिनेशन के थ्रू। जब जैसे जैसे सीड जर्मिनेट होगा वैसे वैसे इसके अंदर ऑक्सीजन भी आएगी जाएगी और इसके अंदर वाटर भी आएगा जाएगा, तो इसलिए माइक्रोपाइल ये काम करता है। ये सिर्फ तभी काम होता है जब सीड आपका डेवलप हो जाता है, और ये तब ये इसके अंदर फिर पोलन ट्यूब पहले जुड़ी हुई होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो इसके पास पोलन ट्यूब जुड़ी हुई होती है, जब डेवलप हो जाता है तो ये एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और वाटर के पास थ्रू होने में। अब जैसे जैसे सीड मेचर होता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर का वाटर कंटेंट रिड्यूस होता जाएगा और सीड होगा वो ड्राई हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर की वाटर कमी होने लगेगी। अब 10-15% मॉइस्चर रहेगा इसके अंदर, क्योंकि ज़रा सा तो रहना ज़रूरी होता है। अब फिर क्या होता है, जैसे जैसे आपका पानी कम होता रहता है वैसे वैसे एम्ब्रियो का डेवलप होना स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी स्लो हो जाती है। अब जैसे जैसे सीड मेचर होता चला जाता है उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो जब वाटर कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा तो सीड जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, 10-15% मॉइस्चर उसका कम हो जाता है मास से। अब जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी इस वजह से, वाटर कंटेंट रिड्यूस होने की वजह से जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी एम्ब्रियो की वो स्लो हो जाएगी, यानी कि मेचर्ड हुए हुए एम्ब्रियो की स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो होगा वो एक ऐसी स्टेट में चले जाएगा जिसे हम
डोरमेंसी कहेंगे। वो एक ऐसी स्टेट होती है डोरमेंसी, जिसमें कि ना ही तो एम्ब्रियो डेवलप होता है, कुछ इसके अंदर डिवीजन नहीं होती है और वो सीड में नहीं बनता है। एक इनएक्टिविटी की स्टेट होती है ये। तो जब फिर बाद में इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर हो गया यानी कि वाटर, ऑक्सीजन हो गया और सुचेबल टेम्परेचर हो गया, तो फिर से ये जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो ओव्यूल्स होती है वो सीड के अंदर मेचर्ड होती है यानी कि बनती है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर बनती है। ये प्रोसीजर हर किसी में होता है। और जो वॉल होगी ओवरी की, वो आपके पेरिकार्प के अंदर डेवलप होगी। पेरिकार्प यानी छिलका, जैसे कि आम का छिलका हो गया और सेब का छिलका हो गया, वो इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आम हो गया, मैंगो, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया यानी कि अमरूद हो गया, और फिर बिना आपके मतलब ड्राई जो होते हैं आपके फ्रूट्स, वो आपके हो गए ग्राउंड नट हो गया और मस्टर्ड हो गए। अब ये आपके कुछ फ्रूट्स के नाम थे। अब जो आपका क्या कहते हैं, अब बाकी की जो कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी डेवलप किया है कुछ फ्रूट्स ने, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैशी हों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैशी होने के लिए उन्हें अपने सीड्स डिस्पर्स करने पड़ेंगे। तो ऐसा मैकेनिज्म कुछ फ्रूट्स ने इवॉल्व किया है जिसकी वजह से वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर पाएँ, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर पाएँ, या सीड को वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना दे पाएँ और वो खुद फ्लैशी होने के लिए खुद डेवलपमेंट लें कुछ फ्रूट्स। अब आप आगे देखिए कि जो कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर जब फ्रूट डेवलप हो रहा होता है वो तो वो ओवरी से डेवलप होता है। अब कुछ फ्लोरल पार्ट्स जनरेट हो जाते हैं यानी कि झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि पेटल्स, एपल्स, ये सब झड़ जाती हैं, खाली ओवरी ही उसके फ्रूट बनने में काम में आती है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जैसे कि एप्पल हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई, इसके अंदर और कैश्यू भी हो गया, इसके अंदर जो थैलेमस होता है जिससे कि ओवरी अटैच होती है, वो भी इसके बनने में काम में आता है। वो पूरा ओवरी को कवर कर लेता है थैलेमस, और बाकी डेवलप होता है आगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट, यानी कि थैलेमस का कंट्रीब्यूट होना फ्रूट की फॉर्मेशन के अंदर, उस फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहलाता है। और जिसके अंदर ये थैलेमस की कंट्रीब्यूशन नहीं होती, खाली बस ओवरी की होती है कंट्रीब्यूशन फ्रूट के बनने में, तो उनको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जो अब कुछ कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट्स बन गया। तो अब कुछ स्पीशीज़ के अंदर ऐसा भी होता है जिसके अंदर फ्रूट्स डेवलप भी होता है बट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, जिन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो एनिमल्स डेवलप हो रहे थे बिना फर्टिलाइजेशन के अंदर, जैसे कि टर्की हो गई आपकी, लिजर्ड हो गई, उसके अंदर उसको हम पार्थेनोजेनेसिस एनिमल कहते हैं, पार्थेनोजेनेटिक एनिमल, और उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब इसके अंदर फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इनको हमने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कह दिया। बनाना एक कॉमन एग्जांपल है। अब जो पार्थेनोकार्पी होती है ये आपकी ग्रोथ हार्मोन से हो जाती है, जैसे कि आपकी ग्रोथ हार्मोन्स जो होंगे, अगर उनकी वेरिएशन ज़्यादा हुई, अगर उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा हुई, और तो वो फिर ज़्यादा डिवाइड होंगे, उनकी वजह से जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये जो फ्रूट्स होते हैं सीडलेस होते हैं, पहचानने की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ये, जो सीडलेस फ्रूट होंगे वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी आप नज़र डालिए, जैसे कि ये आपके दो कॉटिलेडन्स तो ये हो गए, और ये एक माइक्रोपाइल ये हो गया। माइक्रोपाइल एंड पे ही आपका जायगोट डिवाइड होगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बनेगा, और फिर ये रही आपकी माइक्रोपाइल। अब ये रहा आपका फिर हाइपोकोटाइल, ये रहा आपका, और फिर ये रहा आपका पूरी दो शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गई, ये रही आपकी रूट टिप, और ये पूरा आपका जो होगा वो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ये रहा आपका एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए काम में आता है, और ये सीड कोट हो गया, क्योंकि ओवरी क्योंकि एंडोस्पर्म को कवर करने के लिए सीड कोट होना ज़रूरी होता है। और ये रहे आपकी दो कॉटिलेडन, ये आपको बाकी डिवाइड हो रहा है, बाकी एंडोस्पर्म ये रहा, रूट टिप ये रही, बाकी आप ये पूरा देख लीजिए अपने एनसीईआरटी बुक में। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये एक मेज का स्ट्रक्चर है, एक सीड का स्ट्रक्चर है, जो कि एक मोनोकॉटिलेडन है। मोनोकॉटिलेडन के अंदर
एक ही स्क्यूटेलम है, एक ही स्क्यूटेलम है और एक ही एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म आपके कवर्ड हुआ हुआ है और बाकी कॉलिप्टाइल, कॉलिप्टाइल के अंदर आपका प्लूम्यूल रेडिकल भी आ गया, कॉलियोराइस आ गया आपका। बाकी ये रहा आपका फॉल्स फ्रूट, ये आपका थैलेमस है। थैलेमस पूरा करके कवर्ड कर लेता है एक तरीके से ओवरी को। बाकी आपकी ये रही स्ट्रॉबेरी। बाकी अब बात आती है, वैसे इनके ऊपर की स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बस खाली बस यही इंपॉर्टेंट है, यही आता है। अब इसकी प्रैक्टिस ठीक से करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि प्लांट जो होता है वो सीड को कवर करके रखता है बिल्कुल, मतलब फ्लावर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे ही सीड्स होते हैं बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करता है एंजियोस्पर्म को, एडवांटेज प्रोवाइड करता है एंजियोस्पर्म को। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि कुछ फ्रूट्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म आ गया है कि वो डिस्पर्स कर दे पूरी तरह से सीड्स को, तो सीड्स भी खुद ही इस चीज़ में मदद करते हैं खुद डिस्पर्स होने के लिए। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होता है, वाटर हो या ना हो ये फर्टिलाइजेशन हो ही जाता है, और जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं वाटर के ऊपर। अब जो इनके पास सीड के पास बहुत ही बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है डिस्पर्सल के लिए, और नई हैबिटेट्स में जीने के लिए बहुत ही एक सही हैबिटेट होती है, जैसे कि डॉर्मेंसी एक कॉमन एग्जांपल आ गया। और फिर इस स्पीशीज़ को हेल्प करते हैं, ये फ्लावर की स्पीशीज़ को हेल्प करते हैं कि ये हार्श हैबिटेट्स में भी ज़िंदा रह पाएँ। अब जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सीड हो गया आपका, और फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवरी टू द फ्रूट, ये एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन हो जाती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है वेरिएशन, कि स्टिग्मा कौन से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, कौन सा कंपैटिबल होगा कौन सा इनकम्पैटिबल होगा, ये इनडायरेक्टली इसी चीज़ के ऊपर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है वेरिएशंस की। अब फिर जो सीड होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के तौर पर भी काम में आते हैं, क्योंकि जब डोरमेंसी होती है और डिहाइड्रेशन होता है तो हम इन्हें कवर भी करके रख सकते हैं, जैसे कि हम स्पर्म्स को और पोलन ग्रेन को कवर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक तरह से, और फिर बाद में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम सीड्स को भी यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन डोरमेंसी के तौर पर, हम कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं सीड को जिससे कि ये डोरमेंसी में चले जाएँ और फिर हम इन्हें दूसरे सीजन में यूज़ कर लें। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अब फिर जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंसी में आपके 1000 ईयर्स तक जाते हैं। जो ओल्डेस्ट जो आपका गया है एक सीड वो आपका गया है लुपाइन का, ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ये आर्कटिक टुंड्रा से आया है, और जो सीड होगा वो इसका जनरेट हो सकता है, रिकॉर्ड है इसका 10,000 साल तक डोरमेंसी में जा सकता है। अब रिसेंट रिकॉर्ड 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड का है, यानी कि वायबिलिटी इसने नहीं खोई थी, डेट पाम की है। जैसे फिनिक्स डेक्टिलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, इसने फिनिक्स डेक्टिलिफेरा ने डिस्कवर की थी ये चीज़। एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन चल रहा था, यानी कि आर्कियोलॉजी को स्टडी करने के लिए भागा दौड़ी चल रही थी। तो अब ये कह सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो अपनी वायबिलिटी, कुछ कुछ प्लांट्स के सीड अपनी वायबिलिटी 10,000 साल तक भी नहीं खोते और 2,000 साल तक भी नहीं खोते, तो ये एक तरह से एग्जांपल आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की। तो अब जो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, तो अब एपोमिक्सिस के अंदर जो सीड्स होंगे वो प्रोड्यूस तो होंगे पर बिना फर्टिलाइजेशन के। अब पीछे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स डेवलप हो रहे थे बिना फर्टिलाइजेशन के, अब इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड भी प्रोड्यूस होंगे, तो अब एपोमिक्सिस कहलाती है बेसिकली। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, अब मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ, जो प्रोडक्ट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो कुछ स्पीशीज़ के अंदर जैसे कि
सीड्स होते हैं, आप मान लीजिए प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि आप मान ले एस्टरेसी, मान ले आप ग्रासेस मान लीजिए, इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर लिया जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन के लिए सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं, और फिर हम उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए। अब पीछे जो होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स डेवलप हो रहे थे विदाउट फर्टिलाइजेशन के, अब एपोमिक्सिस के अंदर सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। कुछ कॉमन एग्जांपल इसके ये रहे एस्टरेसी और ग्रासेस। अब जो एपोमिक्सिस होता है ये आप मान सकते हैं कि ये मिमिक्री करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक फॉर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और मिमिक्री करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्स इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर सीड प्रोड्यूस हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन और सीड तभी प्रोड्यूस होता है मानने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब इसके अंदर सीड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए इसने एपोमिक्सिस ने मिमिक्री कर ली, बट ये सिंगल वे में हो रहा है यानी कि एक ही पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है ये। अब जो एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं उनके डेवलप होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कुछ कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो एग सेल होता है वो फॉर्म तो होता है बट विदाउट रिडक्शन डिवीजन के ही वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो एम्ब्रियो के अंदर बन जाता है। एग सेल यानी कि जो सिनर्जेड्स होते हैं और एग एपरेटस आप देख सकते हैं, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका एक्सेल। एक्सेल के अंदर एक मेल गैमेट जाता है जिसकी वजह से जायगोट बन जाता है। अब जो होगा इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन के ये रिडक्शन डिवीजन के अंदर नहीं जाता, और रिडक्शन डिवीजन के अंदर नहीं जाता डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद ये ऐसी ही सीड फॉर्म कर लेता है। अब बाकी और फिर एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। अब जैसे कि सिट्रस आ गया आपका, मैंगो हो गया, इसके अंदर जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक को जिसने कवर किया हुआ होता है न्यूसेलर सेल्स के अंदर, जो जिनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करते हैं MMC को, मेगास्पोर मदर सेल को, उसको वो वाले न्यूसेलर सेल डिवाइड होते रहते हैं और फिर वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो वहाँ भी डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम इस स्टेज को, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज को, हम इस स्टेज को नाम दे देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी हम एक नाम दे देते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे कि जैसे कि जो सीड्स होते हैं ऑरेंजेस के, अब हम अगर उन्हें बीचेंगे तो बहुत सारे सीड्स आ जाएंगे, एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होंगे, शेप्स होगा हर एक इस सीड का, तो वो पॉली एम्ब्रियोनी ही कहलाता है, एक ऑरेंज जो होता है आपका। अब जो बाकी अब बारी आती है जो हाई वैरायटीज़ होती है फूड के अंदर, अब हम उन्हें वो यूज़ करने लग गए हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो हाई ब्रीड बनाने लग गए हैं, बहुत सारी वेरिएशंस स्पीशीज़ के अंदर खाने पीने के अंदर बनाने लगे हैं, हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि विदाउट यूजिंग ऑफ सॉइल द सीड द फ्रूट डेवलप्स, जैसे कि टोमेटो हो गया, बस खाली एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं। चलिए इस बात को छोड़िए, ये आपने 11th में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 13 के अंदर। अब जो कल्टीवेटेड हाइब्रिड्स होती हैं ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत काम में आती हैं, बट एक प्रॉब्लम है ज़रूर है, जो हाइब्रिड होती हैं कि जो इनके जो सीड्स होते हैं उनको हमें हर साल बनाना पड़ता है, वो उनको हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते क्योंकि वो अपनी वायबिलिटी खो सकते हैं। अगर हम सीड्स को कलेक्ट भी करेंगे हाइब्रिड्स से तो वो फिर उनकी जो प्रोजनी होगी वो फिर हमें डिफरेंट मिल सकती है। हाइब्रिड्स के जो सीड्स होंगे वो हमें उनमें ही रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही हमें दिक्कत इसमें आ सकती है, हाइब्रिड करेक्टर लाने में हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमें इसके अंदर ही रखने होते हैं। अब जो हाइब्रिड सीड्स होंगे वो बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत ही हमें कंडीशंस मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, और फिर फार्मर्स के लिए बहुत ही महंगे होते हैं और फिर बहुत ही महंगा काम पड़ जाता है ये। अगर ये हाइब्रिड्स अपमिक्स होंगे
यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के हम सीड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो फिर कुछ भी करेक्टर्स का मतलब वेरिएशन इतना नहीं आएगा, हाइब्रिड प्रोजेनी में इतना ज़्यादा वो नहीं आएगा करेक्टर्स। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ना हम एपोमिक्सिस के ज़रिए हम क्यों ना सीड्स प्रोड्यूस करें, इसी वजह से नहीं करते क्योंकि हमें इतने ज़्यादा करेक्टर्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली अब मतलब ये हुआ कि जो हमें कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं हाइब्रिड सीड्स के लिए, वो हमें हाइब्रिड स्पीशीज़ को ही मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसकी वजह से हमें हाइब्रिड सीड्स मिलें। अब एपोमिक्सिस का मतलब यहाँ पर ये आ रहा था कि क्यों ना हम हाइब्रिड स्पीशीज़ के अंदर से सीड ना निकाल के, उनके सीड यूज़ ना करके एपोमिक्सिस प्रोसेस के ज़रिए ही हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करें। अब हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिल रही है तो फिर फार्मर्स को खुद ही हाइब्रिड स्पीशीज़ को कीप गोइंग रखना पड़ता है, यानी कि जो स्पीशीज़ बन रही हैं उसी को ही बनते रहना देना पड़ता है फार्मर्स को कि उन्हें हाइब्रिड स्पीशीज़ मिलती रहें, हाइब्रिड सीड्स उन्हें मिलते रहें। अब बस खाली बस एपोमिक्सिस का यही यूज़ आ रहा था, इम्पोर्टेंस यही आ रहा था कि एपोमिक्सिस का यूज़ करके बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस करी जाए जिसकी वजह से हमें हाइब्रिड स्पीशीज़ ज़्यादा अमाउंट में मिलती रहे, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में ज़्यादा अमाउंट में हाइब्रिड स्पीशीज़ हमें मिलती रहे। अब लेबोरेटरीज के अंदर यही चीज़ जारी है कि क्या हम जेनेटिक्स एपोमिक्सिस की जीन्स को यूज़ करके, एपोमिक्सिस के प्रोसेस को यूज़ करके, यानी कि जेनेटिक्स को यूज़ करके हम एपोमिक्टेड सीड्स बनाएं और उनको फिर हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर हम कन्वर्ट कर दें। तो आपको अब मेरा चैप्टर पूरा हो चुका है, आपको अगर प्लीज़ ठीक से समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आया है मेरा चैप्टर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर किसी को ज़रूरत है इस चैप्टर की तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।